अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल खुशनुमा व्लॉग्स फूड फैमिली एंड फ्रेंड्स। कैसे हैं मेरे व्यूवर्स? आई होप सभी लोग अच्छे से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। चलिए फिर ये देखिए, हम जा रहे हैं हसनैन के बर्थडे पे और ये कुछ मैंने गिफ्ट्स लिए थे और अब रेहान के पापा रेहान और हम लोग निकल रहे हैं और अम्मी अब्बा नहीं जा रहे हैं क्योंकि अम्मी की जो है तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं लग रही है, तो इसलिए अम्मी बोले कि मैं घर पर ही रेस्ट करूंगी, इसलिए अब्बा भी उनके साथ रुक गए हैं और अब हम लोग निकल चुके हैं। आप देखिए बिल्डिंग के नीचे। और इस दिन जो है एक्चुअली हसनैन का जो बर्थडे है 11th of August को आता है, मगर बर्थडे जो है 14th August को रखी थी मेरी ननन ने। और ये जो हसनैन है मेरी छोटी ननन का बेटा है, ठीक है। और ये देखिए, अब ये हमारे घर के सामने हमारी बिल्डिंग के सामने शॉप है, वहीं से मैंने कुछ चॉकलेट्स वगैरह भी लिए हैं अलीज़ा और आदिल के लिए। और ये अब हम लोग निकल चुके हैं और रेहान के पापा और रेहान ने जो है गिफ्ट्स आइटम सारी लेकर जा रहे हैं। और ये देखिए, अब मेरे ननंद के घर हम पहुँच चुके हैं और ये एंट्रेंस है, यहाँ से हम एंट्री ले रहे हैं। आप देखिए, और फर्स्ट इनका किचन पड़ता है और फिर अंदर जो है बेडरूम है, ठीक है। और जो है हसनैन का जो बर्थडे है वो फर्स्ट ईयर का बर्थडे है और काफ़ी खुशी का माहौल है, ठीक है। तो सारे मेरे जेठ जेठानी देवर देवरानी और बड़ी वाली ननंद, ये लोग सबको इनवाइट किए थे, तो आधे लोग आए हैं और बड़ी आपा बाकी हैं आने को। और ये देखिए, मेरे देवर देवरानी और मेरे जेठानी का जो है नाश्ता हो चुका था और अभी हम लोग जस्ट आए हैं, तो मेरी ननंद जो है हमें नाश्ता सर्व कर रही है। नाश्ते में जो है इन्होंने घर पर ही 3 starters बनाए थे, कबाब, चिकन कबाब, लॉलीपॉप और चिकन क्रिस्पी घर पर ही बनाए थे। और ये देखिए, उतने में आपा भी आ गई हैं यास्मीन और मुबशिरा के साथ, ठीक है। आपा जो बोल रही थी कि मैं मलाड वेस्ट गई थी शॉपिंग के लिए, तो उधर मुझे थोड़ा लेट हो गया, तो वही हम बोले कि सब लोग आ गए, आपा आज आप ही लेट हो चुके हैं। एक्चुअली आपा हर फंक्शन में पहले पहुंच जाती हैं, मगर आपा आज लेट हो चुकी थी। और इधर रेहान जो है हसनैन के साथ खेल रहा है, इधर हम लोग सभी बैठे हुए हैं बातें कर रहे हैं और इधर बेड पे भी बाकी लोग सब बैठकर बातें कर रहे हैं, भाभी, हुसना, आफरीन, जैनब, यास्मीन, मुबशिरा, रेहान, सभी लोग बैठे हैं। और ये देखिए, अभी आप आए हैं तो मेरी छोटी नन जो है नाश्ता आपा और यास्मीन मुबशिरा के लिए निकाल कर प्लेट में सर्व करके रखे हैं, तो मेरे देवर ने हाथ में से लेके प्लेट नीचे रख दिए, ठीक है। और ये जो अभी देखिए यास्मीन और मुबशिरा, ये लोग नाश्ते के लिए बैठ चुकी हैं, ठीक है। और एक्चुअली जो है नाश्ते का करेक्ट टाइम तो 6 बजे का ही था, मगर सभी लोग लेट पहुँचे, ठीक है। और कुछ ना कुछ सभी को काम था इसलिए सब लेट हो चुके हैं। और ये देखिए, अब केक कटिंग का टाइम हो चुका है और रेहान जो है हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग जो है टीवी पर लगा रहा है। और अभी देखिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग लग चुका है और अब जो है हसनैन का केक जो है ओपन कर रहे हैं। और ये जो केक है पाइनएप्पल फ्लेवर का है, जो कि काफ़ी अच्छा और सॉफ्ट और क्रीमी केक था। और जैसे कि मैंने बताया कि हसनैन का जो है फर्स्ट ईयर बर्थडे था, जो कि काफ़ी अच्छे और धूमधाम से मैं ननन नंदोई ने सेलिब्रेट किया, तो इनकी खुशी में सभी शामिल हो गए। अम्मी अब्बा नहीं शामिल हो पाए क्योंकि अम्मी की तबीयत कुछ सही नहीं चल रही है, ठीक है, उनको वीकनेस फील हो रही थी इसलिए वो नहीं आई। और ये देखिए, अभी केक जो है सभी लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, मैंने कैंडल जो है लगा दिया है और उतने में मेरे जेठ भी आ गए हैं अम्मी अब्बा से मिलकर। और ये देखिए, अभी सभी लोग रेडी हैं,
सेलिब्रेट करने के लिए। और हसनैन जो है जो मोबाइल सब शूट कर रहे हैं रेहान के पापा, तो वो मोबाइल मांग रहे हैं। आजकल के बच्चे जो है मोबाइल के दीवाने होते हैं, पैदा होते ही सभी बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं। और ये देखिए अभी हसनैन जो एक्चुअली बलून जो फोड़ने की वजह से हसनैन डर गया था, इसलिए हसनैन रो रहे थे। और ये देखिए काफ़ी अच्छा लगा। और हसनैन जो है थोड़ा इतने ज़्यादा लोग में रहे नहीं है, इसलिए इतनी गर्दी देखकर उसे रोना भी आ रहा था, काफ़ी रो रहा था हसनैन। और इधर जो है मेरी ननन ने जो है अपने चाली के और भी कुछ बच्चों को इनवाइट किए थे। ये देखिए अभी केक कटिंग के बाद जो है थोड़ा सी केक जो है हसनैन को खिलाए, मगर बच्चा जो है वो कंटिन्यूस रो ही रहा था। और इधर मेरी जेठानी जो है चश्मा उसको दिखा के थोड़ा उसका माइंड डाइवर्ट कर रहे थे, ठीक है। और ये देखिए अभी हसनैन चुप हो गए हैं, और इधर अभी सब वही बोल रहे आओ हसनैन केक खिलाएं, मगर बच्चा जो है रो ही रहा था। उसकी एक्चुअली एक हफ्ते से तबीयत ख़राब चल रही थी, इसलिए काफ़ी कमज़ोर भी दिख रहा था हसनैन, ठीक है। और ये देखिए सभी बच्चे जो है बर्थडे सॉन्ग गाकर क्लैप कर रहे हैं, ठीक है। माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशन हुआ। और ये देखिए अभी भी हसनैन जो है मोबाइल ही मांग रहे हैं, ठीक है। माशाल्लाह बोलना ज़रूर। और ये देखिए खाने में जो है मेरे नंदोई ने चिकन दाल गोश्त बनवाए थे, और अखनी पुलाव और बिरयानी, ठीक है। और ये देखिए अब गिफ्टिंग का टाइम हो चुका है, तो हुसैन जो है सेलिब्रेशन का पैक दे रहे हैं। और ये अम्मी अब्बा के तरफ से हसनैन को दो जोड़ी कपड़े और टॉयज था और कैप था। और ये जो है चार्ट पेपर पे अम्मी अब्बा ने लिखवा के भेजे थे हैप्पी बर्थडे हसनैन फ्रॉम नाना एंड नानी। और ये देखिए अब रेहान जो है सेलिब्रेशन पैक दे रहा है, और मेरी छोटी वाली ननन का भी जो है जून में बर्थडे आता है, तो मैंने उनके लिए भी कुछ गिफ्ट्स लिए थे। एक ड्रेस मटेरियल था और नकाब का स्टॉल था, और मैंने हसनैन को एक गोल्ड चेन भी गिफ्ट की थी, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी थी गोल्ड चेन। और जब मैंने गोल्ड चेन गिफ्ट किया तो मेरे ननन नंदोई बोलने लगे कि पहना दो भाभी गले में। मैं नहीं पहना रही थी क्योंकि ले गर्दी का टाइम है, और फिर ऐसे गर्दी में ही जो है बच्चे अभी छोटे हैं वो चीज़ संभाल नहीं पाएंगे, तो पहनाने में कहीं लूज बंद हुआ तो गिरने का डर होता है। मगर मेरे नंदोई बोले कि भाभी पहना दो करके, मैंने उनके बोलने पर मैंने बच्चे को चेन पहना दी, ठीक है। और ये देखिए अभी तो मैंने चेन पहना दी, मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा डर लग रहा था कि चेन कहीं गिर न जाए, ठीक है। और मैंने उसकी क्लिप तो बंद की थी अच्छे से, मगर फिर भी बच्चा बहुत छोटा था तो इसलिए मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। और ये देखिए अभी जो है मुबशिरा आपा की तरफ से बच्चे के लिए कपड़ा था, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा कपड़ा था। और अभी आफरीन जैनब और भाभी भैया की तरफ से जो है आफरीन जो है गिफ्ट दे रही है बच्चे को, और बाजू में अलीज़ा बैठकर गिफ्ट रैपर ओपन कर रही है। भाभी ने जो है टॉयज दिए थे, और मंच का जो है चॉकलेट दिए हुए थे, और दो जोड़ी कपड़े थे, ठीक है। माशाल्लाह से सभी के गिफ्ट बहुत ही अच्छे थे, काफ़ी पसंद आया मेरी छोटी ननन नंदोई को। और बच्चों के ये तो बस एक बहाना है गिफ्टिंग, इससे सारे लोग इकट्ठा एक साथ होते हैं तो हंसी मज़ाक और गेट टुगेदर भी हो जाता है, तो काफ़ी इन्जॉय करते हैं सभी लोग, सारे बच्चे भी इकट्ठा होते हैं। और ऐसे तो सब लोग अपने अपने घरों पर रहते हैं, मगर एक ओकेजन आता है बर्थडे सेलिब्रेशन या कोई फेस्टिवल, जब भी सभी लोग इकट्ठा होते हैं और एक गेट टुगेदर हो जाती है। और ये देखिए यही आफरीन टॉयज़ चला कर दिखा रही है कि इस तरह टॉयज़ चलती है,
ठीक है। और हुसैन आदिल ये लोग सब खेल रहे हैं। और ये देखिए अभी हसनैन जो है चुप हो गया है, माशाल्लाह से उसके गले में चेन भी बहुत खूबसूरत लग रही है, ठीक है। और इधर हंसी मजाक चल रहा है। और ये देखिए ये सारा गिफ्ट जो है बच्चे को मिला है, ठीक है। और खाना देखिए, अब खाने की डेक खुल गई है और मेरे देवर जो है खाना, एज यूजुअल सबके फंक्शन में मेरे देवर खाना निकाल कर देते हैं। और इधर देखिए अभी जो बिरयानी का टोप खुला है और मेरे हस्बैंड जो है इंस्टा रील के लिए फ़ोटो बना इंस्टा रील के लिए फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। तो ये देखिए आपा की बहू भी वीडियो बनाने में बिजी है। और इधर दाल गोश्त, चिकन दाल गोश्त बन का रील भी बन रहा है। तो ये देखिए ये चिकन दाल गोश्त का लुक है, माशाल्लाह से चिकन दाल गोश्त बहुत ही अच्छा बना हुआ था। और ये देखिए ये चिकन और कोफ्ते का अखनी पुलाव है जो कि रेहान को ख़ास तौर पे बहुत ही पसंद है। और इसका जो चिकन तो रेहान खाता नहीं है, सिर्फ कोफ्ता मांग मांग के खाता है। और अभी देखिए अभी हम लोग सब लोग बैठ चुके हैं और सभी लोग खाना खा रहे हैं। मेरे देवर देवरानी जो है पहले खाना खा कर चले गए हैं क्योंकि उनको दूर जाना था। और अभी हम लोग भी खाना खाने के बाद निकल चुके हैं। आप लोगों को मेरे ननन के बच्चे का ये बर्थडे का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।